हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन इंजरी के बारे में। सब्जेक्ट कोड है EID 5312, क्रेडिट है 1 credit on theory 1 credit on practical। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दो बुक्स बता देता हूँ, कोई भी ले सकता है। भट्टाचार्य एंड माइकल के है लैंड ड्रेनेज प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन। देन सेकेंड इज माइकल एंड ओजा की प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। सबसे पहले हमारा टर्म है ड्रेनेज। इट कैन बी डिफाइन एज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम फील्ड। एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में बोला जाए तो एग्रीकल्चर ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सर्फेस और बिलो द सर्फेस ऑफ लैंड सो एज टू क्रिएट फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। सीधा सीधा मतलब है इसका कि जो भी फील्ड में जो फील्ड है उसमें जो एक्सेस वाटर है जो हमको जरूरत नहीं और जो क्रॉप के रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमको रिमूव करना ही पड़ेगा फॉर फेवरेबल प्लांट ग्रोथ। ड्रेनेज से प्लांट ग्रोथ भी सही तरीके से होता है और फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है उसके ग्रोथ के लिए। देन बात करते हैं आखिर ड्रेनेज रिक्वायर्ड क्यों है। डेफिनेशन से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो प्रॉपर ग्रोथ प्लांट ग्रोथ के लिए कोई फील्ड है उसमें वाटर जो है सबमर्ज है, फील्ड वाटर लॉक्ड है, तो उस एरिया में हम क्रॉपिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को रोकता है और उसमें प्लांट जो है वो सही तरीके से ग्रोथ कर ही नहीं सकती। अगर हम उसमें सीड भी डालेंगे तो सीड तो जर्मिनेट होगा ही नहीं, पहली बात है। और अगर कोई स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें भी पानी भर जाता है, सबमर्ज कंडीशन हो जाती है वहाँ पर, तो जो प्लांट है वो अपने रूट से एटमोसफियर ऑक्सीजन या सॉइल वाटर ऑक्सीजन को ले ही नहीं सकता क्योंकि और पूरी सबमर्ज कंडीशन होती है, एयर फोर्स होते ही नहीं। सॉइल इन्फिल्ट्रेशन, सॉइल इन्फिल्ट्रेशन को जो प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए ड्रेनेज जो है बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज ये जो सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करता है क्योंकि ड्रेनेज से जो सॉइल पोर्स हैं वो सबमर्ज वाटर हैं वो रिमूव होती है और सॉइल पोर्स में एयर फील होता है, सॉइल पोर्स है वो क्लियर होती है। ड्रेनेज की वजह से सॉइल टर्मिनेशन प्रिवेंट होता है। सबमर्ज कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर है और वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम मैग्नीशियम के सॉल्ट, कोबाल्ट के सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो है फील्ड में वाटर जो है वो तो रिमूव हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सॉल्ट जो है वो सरफेस पे ही रह जाती है, एक्लिमेट हो जाती है सॉइल पे, सॉइल में ऊपर जमने लगती है, वो जो है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। देन ड्रेनेज रिड्यूसेस वीड जर्मिनेशन। प्रॉपर ड्रेनेज जिस फील्ड में है वहाँ पर फील्ड भी कम जर्मिनेट होता है। देन नेक्स्ट इज रिड्यूस क्रॉप डिसीज। ड्रेनेज क्रॉप डिसीज को भी रिड्यूस करता है क्योंकि लाइक कोई फील्ड है वो सबमर्ज कंडीशन में तो वहाँ पे क्रॉप डिसीज ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू वेल ड्रेन फील्ड। देन बात करते हैं वाटर लॉगिंग के बारे में। इट इज द कंडीशन ऑफ लैंड इन विच सब सॉइल वाटर टेबल इज लोकेटेड एट और नियर द सरफेस। इससे क्या हम समझ सकते हैं, जैसे कुछ फील्ड है उस पर वाटर टेबल या वाटर लेवल कुछ फील्ड का सरफेस पे है या सरफेस के पास है, तो उस फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं कि वो वाटर लॉक्ड है। वाटर लॉगिंग कंडीशन हमारे देश में बहुत कॉमन है, छत्तीसगढ़ में तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन किसी किसी इलाके में या दलदली इलाके में देखा जा सकता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से ही जो क्रॉप की फील्ड है, क्रॉप ग्रोथ है वो रिटार्ड होता है, क्रॉप फील्ड कम हो जाती है, ये एडवर्स इफेक्ट है वाटर लॉगिंग के। इस इमेज में आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। ये सनफ्लावर का क्रॉप है, सनफ्लावर का प्लांट है, इस पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्रोथ है वो कम हो चुका है और पत्तियों पे जो बीमारी भी लगती है। देन फैक्टराइजेशन ऑफ वाटर लॉगिंग। हमारे देश में इरिगेटेड एरिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वाटर लॉगिंग को 3 कैटेगराइज किया गया है,
आइडेंटिफाई करने के लिए कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वाटर लॉक एरिया, इसमें क्या होता है, वाटर टेबल सरफेस से 2 मीटर की गहराई पे है अगर, तो उस एरिया को हम वाटर लॉक एरिया कहते हैं। देन सेकेंड है पोटेंशियल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग, मतलब कोई एरिया है वो सस्पेक्टेबल है वाटर लॉगिंग, मतलब वो वाटर लॉक हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल हो गई या फिर उसको वेल ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया गया, तो इसमें क्या होता है वाटर टेबल 2 से 3 मीटर की गहराई पे है सरफेस से, तो उसको हम पोटेंशियल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग कहते हैं। देन सेफ एरिया, जिसमें वाटर टेबल जो है वो 3 मीटर से नीचे होता है सरफेस से, 3 मीटर की गहराई से नीचे होता है, उसको बोलते हैं सेफ एरिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, इसके बारे में थोड़ा पहले बता चुका हूँ इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, मतलब कोई एरिया है वो सबमर्ज कंडीशन है, तो सॉइल एयर का एक्सचेंज तो होगा नहीं क्योंकि सॉइल के जो पोर्स हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर से, और प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। देन चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो है वाटर लॉगिंग की वजह से चेंज हो जाती है, सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। डिफिकल्ट फील्ड ऑपरेशन, वाटर लॉगिंग की वजह से फील्ड ऑपरेशन भी जो है वो मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है, इस फील्ड में वाटर जो है वो थोड़ा बहुत भरा हुआ है, तो कल्टिवेशन तो कर सकते टीलेज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रॉप तो फिर भी जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे नहीं। देन सॉल्ट एक्युमुलेशन, वाटर लॉगिंग और सबमर्ज कंडीशन की वजह से फील्ड में सॉल्ट एक्युमुलेशन होता है, सॉइल के सरफेस पे सॉल्ट जो है वो जमते जाता है, यील्ड ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। वीड जर्मिनेशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन में वीड जो है वो बहुत ज़्यादा जर्मिनेट होता है, तो आपको जर्मिनेट हो नहीं पाएंगे, लेकिन वीड की वीड जो है वो वाटर लॉग कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये एग्जांपल है एक सॉल्ट एक्युमुलेशन का, आप देख सकते हैं आप ये जो वाइट वाइट है वो ये सॉल्ट सॉइल के ऊपर जम गया है, ये ऐसा कंडीशन है जिसमें वाटर स्पिरिट सबमर्ज था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद या कुछ समय के बाद वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, लेकिन वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, वो इस सॉइल पे ऊपर पे जम गया, और यहाँ पे जो क्रैक्स है वो भी इसी की वजह से, वो वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग, एडवर्स टोपोग्राफी एंड सॉफ्ट सॉइल जियोलॉजी। एडवर्स टोपोग्राफी मतलब है कि किसी एरिया है उस जगह की टोपोग्राफी सूटेबल नहीं है ड्रेनेज के लिए, या फिर वहाँ की जो जियोलॉजी वो सूटेबल नहीं है ड्रेनेज के लिए, मतलब वहाँ का एरिया जो अंडुलेटिंग है, कहीं पर पानी रुक जा रहा है, जम जा रहा है, या फिर जो उस जगह की सब सॉइल है उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और पॉपुलेशन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उस वजह से भी वाटर लॉगिंग होता है। लैक ऑफ कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन, कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन में क्या था क्या क्या आता है, कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, लैंड शेपिंग, लैंड स्लोप मेंटेन करना, सॉइल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, ये सब जो है कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन के अंदर बताते हैं। तो अगर कोई कैचमेंट एरिया है उसमें प्रॉपर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन नहीं है, फॉरेस्टेशन नहीं है, कंटूर मेजर्स, टेरेसिंग, ये सब नहीं है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर आता है रेनफॉल इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, किसी एरिया में रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी कैसी है। रेनफॉल इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, सॉइल इंफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, और वैसे वहाँ पर रन ऑफ जनरेट होगा और सॉइल क्रिएट होगा, इस वजह से अगर वहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं होगी उस फील्ड में या उस एरिया में, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। देन मैनमेड प्रोसेस लाइक
कोई ड्रेनेज स्पिल में ड्रेनेज बना हुआ है मैन मेड कॉजेस की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, या ड्रेन जो है वहाँ उस एरिया की ब्लॉक हो जाती है रोड कंस्ट्रक्शन या एम्बैकमेंट की वजह से वाटर लॉकिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा और भी कई कारण है वाटर लॉगिंग की, जैसे कुछ हैं जैसे पुअर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस या लैक ऑफ इरीगेशन सिस्टम डेवलपमेंट, फिर लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होता है, लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। देन बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। जो ऑब्जेक्टिव हम हमारे थे ड्रेनेज के, वही बेनिफिट्स भी होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर आ जाता है कि बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, सॉइल पोर्स है वो एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें वाटर जो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है सॉइल पोर्स से, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो रेट है वो मेंटेन रहता है या बढ़ता है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ती है, हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है फिर सॉइल का, तो उसमें सॉइल इरोजन भी कम होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन रहता है, और टिलेज प्रैक्टिस हम इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल में आसानी से कर सकते हैं। ड्रेनेज जो है वो सॉइल टेम्परेचर भी मेंटेन करता है सॉइल और एयर को फिर। ड्रेनेज जो है वो लीचिंग भी प्रोवाइड करता है और जो सॉल्ट एक्युमुलेट होता है उसको भी रिमूव करता है और सॉल्ट एक्युमुलेशन को भी प्रिवेंट करता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में क्या होता है कि नाइट्रोजन सप्लाई जो है वो मेंटेन रहता है, अगर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं किस फील्ड में तो वहाँ पे वाटर जो सबमर्ज है वाटर लॉक्ड एरिया है, तो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल में क्या है नाइट्रोजन सप्लाई प्रॉपर रहता है। देन ड्रेनेज जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस और डिसीज पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव करती है और प्लांट्स को जो डिसीज लग सकती है लगती है उनको भी कम करती है, वीड जर्मिनेशन को कम करती है। नेक्स्ट है ड्रेनेज कोफिशिएंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक न्यूमेरिकल तो बनता ही है, ठीक है उसको हम ध्यान लेते क्या होता है। इट कैन बी डिफाइन एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर ड्रेन फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 24 आवर्स। ये डेफिनेशन भी है और जनरल वे में इसको समझा भी जा सकता है इसके थ्रू। तो जैसे कोई एरिया है वो एक सबमर्ज कंडीशन में, उस एरिया से 24 घंटे में जितना पानी रिमूव होगा डेप्थ में वाटर का जो रिमूव वाटर को डेप्थ मेजर करते हैं, तो किसी एरिया से जो वाटर रिमूव होता है 24 घंटे में उसी को बोलते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट। इसकी लेंथ होती है इसकी यूनिट होती है लेंथ की ही सेंटीमीटर में ड्रेनेज कोफिशिएंट को मेजर करते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनता है, इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ड्रेनेज कैनाल डिस्चार्ज 0.2 किलोमीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड एंड रेंस 250 हेक्टर्स, व्हाट इज द ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ दिस लैंड। देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है उस फील्ड का और एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि जो एरिया है उसको हम मीटर स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 250 हेक्टेयर को 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, फिर टोटल डिस्चार्ज इन 24 आवर्स अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे जो क्यूबिक मीटर पर सेकंड दिया हुआ है उसको 24 घंटे के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.2 × 16 × 24 ये आ गया 17,280 क्यूबिक मीटर। अब ड्रेनेज कोफिशिएंट को डेफिनेशन से हमको मालूम है कि किसी भी एरिया से 24 घंटे में जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट, तो उस एरिया में कितना वाटर प्रेजेंट है वो अपने को मिल गया 17,280 एरिया से डिवाइड कर देंगे उसको 250 × 10,000 ये कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में, दोनों आगे मीटर में अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 0.0069 मीटर। अब ये याद रखना है कि अपने को आंसर हमेशा सेंटीमीटर में देना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से
तो अपने को मिल जाएगा 0.69 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ लैंड इज 10 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट आउटलेट एंड ऑफ द डिस्चार्ज ड्रेन वाटरशेड ऑफ 300 हेक्टेयर। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा, ड्रेनेज कोफिशिएंट दे दिया है 10 mm और कैपेसिटी हमको बतानी है उस एरिया में कितना डिस्चार्ज, उस आउटलेट से कितना डिस्चार्ज होगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 24 आवर्स ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में 10,000 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये 10 mm दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में फॉर्मूला पुट करने के लिए। ये डिवाइड किया 10,000 से 10 को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30,000 मीटर क्यूब। डिस्चार्ज निकालना है तो पहले हम लोग क्या किए थे उसमें 24 घंटे का कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कर देंगे डिवाइड 30,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 24। तो अपने को मिल जाएगा 0.347 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज एंड सरफेस ड्रेनेज। ये सरफेस ड्रेनेज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।